अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे आप सब लोग उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और आज की वीडियो ऑल अबाउट ऑफ माय कैट्स कैसी हैं ये मेरी बिलिंगा कहाँ से आई हैं कैसे रहती हैं मेरे साथ क्या खाती हैं इनके लिए मैंने आज कुछ मंगवाया है वो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी शीन से मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी और वो किस तरह मैं यूज़ करूँगी एक्चुअली मैंने सबसे पहले जो है वो, वो इनके बारे में सर्च किया था कि क्या वाकई हमें घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए और हम इनके सर किस तरह हम, हम इनका ख्याल रख सकते हैं कहाँ पर हमें इनका वेस्टेज पहंकना होगा क्या खाएंगी ये और कहाँ रहेंगी ये सारा कुछ देखने और सोचने के बाद ही मैंने डिसाइड किया था और पिछले सात आठ महीने से ये मेरे घर पर रह रही हैं अब आज की वीडियो बाकायदा यहाँ से शुरू होती है क्योंकि आज वीकेंड और वर्किंग डेज खत्म हो गए हैं तो जो वीकेंड होता है आखिरी दिन होता है जो वर्क से वापस आने वाला वो कोई ईद से और खुशी से कम नहीं होता अभी बस मैं वापस आ रही हूँ और मैं कुछ ही से शॉपिंग कर थी मंगवाया था वो भी सामान मैं साथ लेकर आई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कैट्स जो हैं वो मेरे घर एंटर होने पर ही मेरी इस्तम तक बाल करती हैं वेलकम करती हैं जस्ट मैं कहती हूँ ब्राउनी ब्राउनी और तमाम कैट्स इस तरह से मेरे पास फिर जो आने आने के लिए तैयार रहती हैं प्यार लेती हैं बहुत सारा और कहती हैं कि हमें उठा लें तो बस ये है इनके साथ सूरत हाल एक्चुअली मैं बताती हूँ कि पिछले सात आठ महीने पहले मार्च अप्रैल में एक्चुअली एक कैट ने हमारा घर के बाहर एक सोफा पड़ा हुआ है वहाँ पर दो बेबीज दे दिए थे तो एक ब्राउन था और एक ब्लैक था तो इसलिए मेरे पास अभी तीन है और ये जो बड़े बालों वाला है ये ब्राउनी है यह भी तो एक महीना पहले ही मेरे पास आया है तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर इनको अपने पास अंदर ही रखती हूँ खाने पीने के टाइम और रात के वक्त हम इनको बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं होती आपको पता है गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे पास क्या हम इनके जो है वो वाशरूम वगैरह सिस्टम करें तो इसीलिए और डोम्स में से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसे ही हम लोग होते हैं शूज़ और जो है वो ड्रेसेस वगैरह चेंज करने से पहले हमें इन्हें फीड डालनी होती है जो कैट फीड होती है किटन फीड होती है एक्चुअली प्रॉपरली तो वो मैं लेके आती हूँ और वो वन वीक का इन तीन ब्रियों पर जो है तकरीबन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव डॉल का वन पॉइंट फाइव के जी का एक पैकेट आता है वो मैं लेकर आती हूँ जो भी खाते हैं तो वो मैं अगर कभी चेंज कर दूँ तो ये बहुत मूडी है वो नहीं खाते ये बार खाते हैं ये दूध नहीं पीते हैं ये अपना फीड खाते हैं और ये चिकन खाते हैं बहुत शौक से तो कभी चिकन दे देती हूँ चिकन में तब देती हूँ जब ये बीमार होते हैं ज्यादातर मैं इनको यही फूफे जो है फूड देती हूँ क्योंकि हमारे पास आपको मालूम है इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता बेचक ये जो बिल्कुल बच्चों की तरह है इनका ख्याल रखना पड़ता है तो अभी ये मैंने कुछ चीजें जो है वो मंगवाई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लिंक भी लगा लूंगी साथ में ही ये सबसे पहले जो है वो बेड फिटेड बेड शीट है बहुत ही खूबसूरत है हैचुअली मैं और करना चाह रही थी ऑर्डर बट मुझे वो स्टॉल आउट हो चुकी थी तो मुझे ये वाली करनी पड़ी ये भी बहुत खूबसूरत इसका कलर है और मैं आपको दिखाऊंगी ये इतनी सस्ती एटीन रियाल में कतरे रयाल में जस्ट ये मुझे मिली है और ये किस तरह ये पूरी आती है इसका मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी आज मैं जस्ट आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ और उसके अलावा मैंने कुछ जो है और चीज़ें मंगवाई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कलर देखिए इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है और जब भी ऑर्डर ऑनलाइन करें तो सबसे पहले सस्ती चीज़ें मंगवाएं फिर आपको आइडिया होगा कि उस पेज पर या उस जो भी है वहाँ पर कैसी चीज़ें मिलती हैं फिर आप महंगी मंगवा सकते हैं ये एक किचन टॉप के लिए मुझे स्टिकर चाहिए था वो मैंने मंगवाया है और उसके साथ ही ये मैंने एक हेयर रिमूवर टूल है जो हमारे कारपेट्स हैं बेड्स हैं सोफा है जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी बलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं तो वो अपने बाल जो हैं उनके उतर जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए मैंने मंगवाया और ये हंड्रेड परसेंट श्योरटी के साथ मैं वो कहती हूँ बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा आया है और ये बहुत जल्दी हमारे जो है वो सोफ़ा वगैरह मैंने सिर्फ इसके रिव्यूज़ जो पढ़े थे वो ये थे कि सोफ़ा वगैरह के ऊपर ही काम करता है बट सोफ़ा पारपेट जो है बेड शीट्स किसी आपकी ड्रेसिंग क्योंकि समाइम जो है बेबिल बिल्ले हमारे जो है गोद में आ जाते हैं तो वो भी हम इनसे अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा और उसके साथ ही मैंने कुछ जो के है इनके टॉयज मंगवाए थे अपनी कैट्स के ये जो है बहुत प्यारे फंकी कलर्स हैं बहुत ही खूबसूरत से और देखिए अभी आते ही मेरा ब्राउनी ही सबसे ऊपर आ गया है पहले सबसे एंड वे ही मेरे पास आए इन दोनों के बाद आए हैं लेकिन इतना ये प्यार करता है इतना केयरिंग है ये इतना लविंग है कि मैं क्या बताऊं इसको बस गोद में बैठना है इसको सोफे के ऊपर बैठना है इसको बेड के ऊपर बैठना है इसको तो ब्लैंकेट के ऊपर बैठ कर मसाज करना है मैं कभी किसी दिन आप इसके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है इतना पारा लगता है इसलिए मैंने इसके लिए एक जो है वो कवर मंगवाया है छोटा सा ब्लैंकेट सा कुशन सा मंगवाया है सोरी नॉट ब्लैंकेट कुशन सा मंगवाया लेकिन वो थोड़ा साइज में छोटा आ गया है तो वो भी बहुत उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी है मुझे अगर आप भी चाहें तो मैं यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी इसके इसका लिंक दे दूंगी आप इस वो मंगवाई का बहुत अच्छा इसका प्रिंट है और बहुत खूबसूरत है ये तुम्हें इसको ब्राउनी को बार बार रही थी कि अब आपने ये यूज करना है इसके ऊपर बैठना है अगर आपको मसाज करना भी है तो आपने जो है वो ब्लैंकेट के ऊपर नहीं चढ़ना तो ये इनके ट्वाइस में इनकी तार फेंक दी थी मैंने कहा देखती हूँ खेलते हैं क्या करते हैं बहुत हैप्पी थी बहुत ही ऐपी थी ये तीन कौलियाँ मैंने रखी हुई हैं इनके खाने के लिए और अभी मैं जो है वो मैसी को भी बुला रही थी क्या हो आप भी खेल लो खा लो क्योंकि मैं फिर जो सुबह